नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। और आपको बताते चले कि देहरादून में भर्ती घोटाले की जांच को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा ही बर्बरता पूर्वक ही लाठीचार्ज के विरोध में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मुख्य चौक पर प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला फूंककर कड़ा रोष प्रकट किया है। बता दें आपको कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि युवाओं को रोजगार देने की बजाय सरकार लाठी मारने का काम कर रही है। तो युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया सरकार द्वारा, उसके विरोध में आज सब जगह कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी के विरोध में आज सितारगंज चौराहे पे पुतला फूंका गया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उन युवाओं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है, बेरोजगारों के साथ खड़ी है। किसी कीमत पर भी उन बेरोजगार युवाओं का, उत्तराखंड के नौजवानों का कहीं अत्याचार नहीं होने देंगे। उनके ऊपर पुरजोर लड़ाई कांग्रेस लड़ने का काम करेगी। होशो आवाज सब कुछ खो बैठी है भाजपा सरकार, जो युवाओं के खिलाफ जो अपने शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, एकदम रातों रात उन पर लाठियाँ बरसा के, उन पर बेतुकी मार करके उनको जो मारा गया, युवाओं पे जो अत्याचार करा गया, उसको उसके लिए कांग्रेस पार्टी उन युवाओं के साथ खड़ी है। उनके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उत्तराखंड सरकार के देहरादून से आए विशेष कार्य अधिकारी ने ब्लॉक गदरपुर कार्यालय का निरीक्षण किया और सभी विभागों की समीक्षा बैठक की है। इस मौके पर विशेष कार्य अधिकारी ललित मोहन आर्य ने बताया कि आज उनके द्वारा गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में निरीक्षण किया गया और समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें सभी के विभागों के ही समीक्षा बैठक के दौरान कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और उत्तराखंड सरकार इस तरह की परेशानियों को हल करने के लिए आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रत्येक खंड विकास तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी के प्राकृतिक स्रोत के पानी पर व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर ही एनजीटी ने रोक लगा दी है और जिसके बाद अब उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस देना शुरू कर दिया है और इसके बाद नगर पालिका सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक की गई और बैठक में मसूरी SDM शैलेंद्र नेगी ने जल संस्थान के अधिकारियों को झील से पानी का उपयोग न करने की बात को लेकर कही गई है। मसूरी SDM शैलेंद्र नेगी ने कहा है कि NGT द्वारा मसूरी झील के पास मसूरी देहरादून रोड पर ही पानी का एक प्राकृतिक स्रोत है, जहाँ पर कुछ लोगों द्वारा एक पतनाला बनाकर पानी को टैंकर में भरकर होटलों में सप्लाई कर रहे हैं, जिसको लेकर आज बैठक बुलाई गई है और आज से जल संस्थान के साथ सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक में बुलाया और न्यायालय के आदेश से अवगत कर उसके अनुपालन से सुनिश्चित कराया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश की अस्थाई राजधानी देहरादून की सड़कों पर बेरोजगार युवाओं का लगातार हो रहे परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर किए जा रहे आंदोलन को अब भारत की जनवादी नौजवान सभा के समर्थन में कूद गया है और इस सिलसिले में भारत की जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष यूसुफ तिवारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश का युवा पेपरों में हो रही धांधली, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ आज प्रदेश की राजधानी में सड़कों पर है, युवा प्रदर्शन कर रहा है और माध्यम से सरकार से मांग भी कर रहा है कि कब तक प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और सरकार इसका स्पष्ट जवाब दे। लेकिन प्रदेश की डबल इंजन सरकार या उसका कोई भी नुमाइंदा इन बेरोजगार युवाओं से बात करने को राजी नहीं है और साथ ही सत्ता के नशे में चूर डबल इंजन सरकार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे युवाओं पर बर्बर पुलिसिया हमला कर रही है, जिससे कई युवा घायल हुए हैं। नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष यूसुफ तिवारी ने कहा है कि हमारा संगठन प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की जायज मांगों को समर्थन में हमेशा उनके साथ खड़ा है और सरकार द्वारा बेरोजगारों पर किए गए बर्बर पुलिसिया हमले की निंदा करता है।
हरिद्वार में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब ग्राम पंचायतों के उप प्रधान चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया और हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायतों में उप प्रधान के 16 फरवरी को सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन होगा और इसके बाद 11 से 12 नामांकन होगा और इसकी जांच की जाएगी। बता दें आपको कि 12 से ही 12:30 बजे तक नाम वापसी का मौका दिया जाएगा और 12:30 बजे बताया जा रहा है कि 1 बजे के बीच ही चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा और दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच मतदान होगा। इसके बाद शाम 4 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। चुनाव की पूरी प्रतिक्रिया जो बताई जा रही है इसको लेकर पंचायत मुख्यालयों पर कराई जाएगी। चलिए खबर रुड़की से है। बता दें आपको कि रुड़की के हेपिरान कलियर क्षेत्र के रहमतपुर ग्राम में बुधवार की रात चोरों ने चलती लाइन में ट्रांसफार्म के से तार और इसके साथ ही सभी उपकरण चोरी कर लिए। वहीं इसके चलते विद्युत आपूर्ति की बाधित हुई है। बताते चले कि पिरान क्लियर क्षेत्र में बेखौफ चोरों द्वारा एक बार फिर चलती लाइन से 250 केवी के ही ट्रांसफार्मर से तार तेल और इसके साथ ही सभी उपकरण चोरी कर लिए गए। वहीं एक सप्ताह पूर्व भी मेहवर कला ग्राम में भी चोरों द्वारा इस तरह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। क्लियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर ग्राम में चोरों के द्वारा सरकारी स्कूल के पास एक 250 केवी के विद्युत विभाग से ट्रांसफार्मर से सामान चोरी कर लिया गया था और चोरों के द्वारा सभी उपकरण और तेल आदि चोरी कर लिए गए थे, जिसको लेकर जब गुरुवार को सुबह ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे तब देखा कि खोखला ट्रांसफार्म सड़क किनारे पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान रहमतपुर को दी है। स्कूल के सामने ट्रांसफार्मर रखकर 250 का मैं आई था और जो चोरी हो गया था। तो क्या ये लाइट चल रही थी उस टाइम पर? तो कैसे चोरी करते हैं लाइट चलती लाइट में? ट्रिपिंग आई। अच्छा, ट्रिपिंग आई, 5 मिनट में निकाल दिया। 5 मिनट में पूरा ट्रांसफार्म निकाल लिया? निकालना है सामान का पता नहीं कितनी देर में, 5 मिनट में सप्लाई चालू हो गई। तो जे क्या मौके पहुंचा था? जे मौके पर आए थे? आए थे हाँ, राहुल गिरी। तो अब क्या आगे की प्रक्रिया क्या? तारी दे दी। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से भीषण तबाही मची है और इस आपदा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कोटद्वार का एक युवक विजय कुमार भी तुर्की से लापता बताया जा रहा है। विजय के लापता होने से परिवार में मातम जैसा माहौल बना हुआ है। इस मामले में विजय के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन से, बता दें आपको कि उत्तराखंड सरकार को अवगत करा दिया है और उत्तराखंड सरकार से मांग की जा रही है कि तुर्की सरकार से संपर्क कर लापता विजय से संपर्क कराएं। और विजय के बड़े भाई ने बताया है कि उक्त कंपनी में कार्यरत हूं और कंपनी के लोगों से जानकारी मिल रही है कि अंतरालय शहर और अवसर होटल भूकंप जद में आने से धराशाही हो गया है। और विजय के बड़े भाई अरुण ने कोटवार उप जिलाधिकारी के माध्यम से ही उत्तराखंड मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अवगत कराया कि जल्द भारत सरकार भाई विजय के बारे में जानकारी जुटाने का आग्रह किया। और इस दौरान ही SDM ने बताया है कि जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से विदेश मंत्रालय से संपर्क कर जानकारी जुटाई जाएगी और परिवार वालों को जानकारी दे दी जाएगी। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे कोटा क्षेत्र के एक विजय पुत्र स्वर्गीय रमेशचंद गौड़, इनके भाई अरुण कुमार गौड़ के द्वारा अवगत कराया गया क्या था कि ये विजय जो है ये तुर्की गए हुए थे और किसी बंगलोर में किसी कंपनी में काम कर रहे थे और वहाँ से इनको भेजा गया था। तो हम लोगों के द्वारा इस संबंध में जैसे सूचना प्राप्त हुई है इसमें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आगे पत्र को प्रसिद्ध किया जा रहा है और इसके साथ साथ हम लोग अपने स्तर से भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जिस कंपनी के माध्यम से उसको भेजा गया है वहाँ के एड्रेस ट्रैक करके ताकि कब तारीख को भेजा गया और वास्तव में वो कहाँ रुके हुए हैं उनकी पूरी तस्दीक की जा सके। और 4:17 पर भूकंप आया था और मैंने उसको कॉल 10 बजे करीबन कॉल की तो उसमें कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक्चुअल में मैं वहाँ पर डेली व्हाट्सएप पर कॉलिंग करता था तो फिर मैंने अपनी कंपनी में बात की जो हमारी कंपनी बेंगलोर में है तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे ये भूकंप आया हुआ है और उन लोग भी ट्राई कर रहे थे
तो उनसे भी कोई संपर्क नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने डेली वहाँ पे मैं कॉल करता रहा तो उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला। लास्ट में फिर हमने एम्बेसी को बात की तो एम्बेसी वालों ने फिर छानबीन की। तो आज तीसरे दिन हुआ, तीन दिन हो गया, तो जो भी बात हो रही मेरी एम्बेसी से हो रही है। बेतौर जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गुरुवार को उत्तरकाशी पहुंची और जिला सभागार उत्तरकाशी में मीडिया से मुखातिब होते हुए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023 और 2024 को अमृतकाल का ये पहला बजट कहा है और उन्होंने कहा कि इस बजट में आज़ादी के 100 साल बाद के सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प दिखाई देता है और इस समावेशी बजट में सभी के हितों का ध्यान रखा गया है और किसान, मध्यम वर्ग और महिला, युवा, बुजुर्ग के साथ औद्योगिक और औद्योगिकी विकास की ही स्पष्ट रूपरेखा दिखती है। उन्होंने कहा कि बजट की अवधारणा समावेशी विकास और इसके साथ ही वंचितों को प्रियता अंतिम छोर तक पहुंचना और बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता निस्तारण और इसके साथ ही हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र को समर्पित आदि प्राथमिकताओं पर आधारित है। सितारगंज में ग्राम विजवा पटिया निवासी महेंद्र सिंह 44 की अज्ञात वाहन द्वारा सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और घटनास्थल से घायल अवस्था में ही महेंद्र सिंह को सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां डॉक्टर द्वारा ही मृतक के सर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत होना बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर सितारगंज पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मृतक के परिजनों से संपर्क कर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महेंद्र सिंह सन ऑफ सुरेश सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, ये बिस्टी पटेल के रहने वाले हैं। सड़क दुर्घटना में मृत अवस्था में हमारे हॉस्पिटल में लाया गया था जिसकी सूचना आगे हमने पुलिस को दी। अब आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम के द्वारा की जाएगी। ये मृत अवस्था में ही लाया गया था हमारे यहाँ। जब पेशेंट को लाया गया था इसके वाइटल्स नहीं थे और इसके सर की चोट है जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। ज्वालापुर थाना क्षेत्र के ही बहुचर्चित मुस्लिम फंड घोटाले में हरिद्वार पुलिस द्वारा आरोपी संचालक अब्दुल रज्जाक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा अब्दुल रज्जाक को रिमांड पर लिया गया था और जिसकी निशानदेही पर मुस्लिम फंड में 65 खाता धारकों के बड़ी मात्रा में ही सोने के आभूषण जिले बताया जा रहा है कि जिसे जिला राज्य सहकारी बैंक के लॉकर में रखे गए थे उसे बरामद किया जो लगभग 65 तोले का है और पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ में कुछ और लोगों के पास रखे गए सोने की जानकारी प्राप्त हुई है जिन्हें जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा। एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि ज्वालापुर कोतवाली में मुस्लिम फंड में ही धोखाधड़ी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें मुख्य आरोपी मुस्लिम फंड संचालक अब्दुल रज्जाक को रिमांड पर लिया गया है और जिसकी निशानदेही पर 65 तोला सोना बरामद किया गया और आरोपी द्वारा ही पूछताछ में बताया गया कि उसने कुछ और लोगों को भी सोने के आभूषण दिए हुए हैं और उनको पुलिस द्वारा नोटिस देकर बरामद करेंगे। बाकी जितने लोगों से मुस्लिम फंड के द्वारा धोखाधड़ी की गई है कागजातों के आधार पर न्यायालय जो आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा और इस मामले में पुलिस द्वारा तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। ज्वालापुर कोतवाली में एक अभियुक्त पंजीकृत हुआ था मुस्लिम फंड के नाम से धोखाधड़ी और जालसाजी की गई थी। इसमें अभियुक्त को कल से 24 घंटे के PCR पे लिया गया था। अभियुक्त के निशानदेही पर 65 तोला सोना बरामद हुआ है, उसको बाद न्यायालय थाना में रखा जाएगा। अभी उसके द्वारा इतना बताया गया है कि कुछ और पैसा था जो उसने कुछ लोगों को गिरवी रख रखा है तो उन लोगों को हमारे द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। हो सकता है शीघ्र ही वो पैसा भी हमें बरामद हो क्योंकि ये एक मुस्लिम फंड है, इसमें इनके पास सारी डिटेल्स होती थी किस किस से कितना क्या पैसा इसके द्वारा लिया गया है। तो उसी पर्ची के हवाले से लोग जिनका पैसा होगा वो न्यायालय में अपना जो भी है डॉक्यूमेंट रखेंगे उसके आधार पर न्यायालय द्वारा जो भी आदेश किया जाएगा उसके आधार पर इसका निस्तारण किया जाएगा। अभी तक मुख्य जो तीन आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, दो का नाम अभी प्रकाश में है, वो फरार चल रहे हैं। हमारी टीमें लगातार दबिश और इनके ठो ठिकानों का बारे में पता करने का। देहरादून में भर्ती घोटालों की जांच की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज के विरोध में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जमकर सरकार को कोसा है।
और भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी अजय कुमार लल्लू के टिहरी जिले की देवप्रयाग विधानसभा कीर्ति नगर ब्लॉक पहुंचने पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेसी नेता मनीष खंडूड़ी ने ही कहा है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी बात रखने को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में बैठे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस के माध्यम से आवाज को दबाने का काम किया गया है। और वहीं निंदनीय है कि कांग्रेस ने युवाओं के साथ खड़ी है और उनके हक को लेकर लोकसभा और विधानसभा में युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। कहा कि बिना सरकार के मिली भगत के प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर ही घोटाले संभव नहीं है। सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा ही युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देशों के क्रम में भोगपुर क्षेत्र में प्राप्त अवैध खनन की शिकायत की जांच हेतु खान बताया जा रहा है कि अधिकारी प्रदीप कुमार और तहसीलदार हरिद्वार रेखा आर्य के नेतृत्व में खनन राजस्व विभाग की टीम द्वारा दिनांक 8 फरवरी की रात 12 बजे तक भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन परिवहन का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर कोई अवैध खनन करते नहीं पाया गया, परंतु एक स्थान पर अवैध खनन किए जाने की बात सामने आई है, जिसमें स्थल तक अंधेरे में रास्ता न मिल पाने के कारण सुबह पुनः आने का प्लान तैयार किया गया। फायर सीजन करीब आते ही वन विभाग मुस्तैद हो गया है और इसको लेकर केदारनाथ वन्य जीव विभाग के लोहबा रेंज में वनाग्नि को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे लोहजा रेंज यानी कि गैरसैंण क्षेत्र के सभी वन सरपंचों और आम लोगों ने प्रतिभाग किया है। वन क्षेत्र अधिकारी की मौजूदगी में लोहबा रेंज के 18 वन पंचायतों के सरपंचों, वन पंचायत के सदस्यों और महिला मंगल दलों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया और वन क्षेत्र अधिकारी ने कार्यशाला में मौजूद लोगों से वनों को आग से बचाने का आह्वान किया और वनों को आग से बचाने को लेकर कार्यशाला में मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई। कार्यशाला में उपस्थित लोगों ने भी वनों की सुरक्षा का संकल्प लिया है। रुड़की में मिशन की भूमि के ट्रस्टी साहिल परवेज और कांग्रेसी नेता सलीम खान के बीच चला आ रहा विवाद एक बार तेज हो गया है। आपको बताते चलें कि दोनों पक्षों में ही विवाद उस वक्त हुआ जब सलीम के परिजनों ने एक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण शुरू किया और ट्रस्ट के केयर टेकर साहिल परवेज के मुताबिक ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से सलीम खान के परिजन इस सड़क का निर्माण स्वयं करा रहे थे और जबकि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने विवाद के चलते तब तक के लिए किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा रखी थी और जब तक कोई निर्णय ना आ जाए। वहीं जिला प्रशासन द्वारा हरिद्वार के रुड़की में 2041 का मास्टर प्लान तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है और मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने के संबंध में हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने एचआरडीए सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आवास विकास विभाग से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर लोकल गवर्नमेंट के टीम लीडर डॉक्टर शशिकांत पांडे, एचआरडीए सचिव उत्तम सिंह आपको बता दें चौहान और इसके साथ ही सीडीओ प्रतीक जैन समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान ही जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आवास विकास विभाग द्वारा बनाए गए रुड़की मास्टर प्लान को बारीकी से समझा और अधिकारियों को जल्द फील्ड में जाकर ही सर्वे कर दें और 10 दिन में मास्टर प्लान का ड्राफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया है कि 2041 में रुड़की में ही कितनी आबादी होगी और आबादी के हिसाब से वाहन, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की कितनी जरूरत होगी, इन सब विषयों को लेकर चर्चा की गई है। जैसे रुड़की का एक मास्टर प्लानिंग तैयार की जा रही है 2041 की, लगभग आज से 20 साल के बाद तक की फ्यूचर प्लानिंग। उसी सिलसिले में जो हमारी संस्था थी एक उसने एक प्लान तैयार किया था, ड्राफ्ट प्लान, और उसको ड्राफ्ट प्लान भी नहीं कहेंगे, उनको डेटा कलेक्ट किए थे और उसके संबंध में सभी जो हमारे कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स थे उनके साथ उन्होंने शेयर किया और उसमें सब विचारों का आदान प्रदान हुआ।
और कुछ बातें उन्होंने जो महत्वपूर्ण उसमें इंडिकेट की हैं कि 2041 तक हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, उस समय तक कितनी अर्बन आबादी हो जाएगी, कितने नए मकानों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा होगी, कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। उत्तरकाशी में पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी श्री अपर्ण यदुवंशी के निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस द्वारा गत 1 फरवरी से ही ऑपरेशन कामधेनु चलाया जा रहा है। ऑपरेशन का उद्देश्य सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं की रोकथाम करना है और सभी बताया जा रहा है कि पशुपालक 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से अपने अपने पालतू पशुओं आदि का पशुपालन विभाग से रजिस्ट्रेशन कर ट्रेनिंग करवा लें और 15 फरवरी के बाद ऑपरेशन कामधेनु के दूसरे चरण में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस और नगर पालिका द्वारा रोड पर घूमने वाले आवारा पशु स्वामियों के खिलाफ चलानी कार्रवाई के साथ साथ बिना ट्रेनिंग वाले पशुओं को गौशाला भेजने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।